शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इमलिया गांव में बीते रोज जमीनी विवाद को लेकर एक बाप बेटे में मिलकर एक आदिवासी दंपत्ति की मारपीट कर कुल्हाड़ी से सिर फोड़ दिया। आदिवासी युवक को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सोमवार को इस मामले की शिकायत पीड़ित के स्वजनों ने SP ऑफिस में दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। जमीन पर कुटीर बनाने को लेकर विवाद हुआ था। श्रीमती आदिवासी ने बताया है कि मेरी जमीन को प्रकाश तदार के घर के पास ग्राम इमलिया पर है, उसमें कुटीर बनवाने के लिए फोटो खिंचवाने गए थे, तब वहीं पर प्रकाश तदार और उसका लड़का मिले। दोनों बोल रहे थे, ये तो हमारी जमीन है, तुम इस पर कुटीर बनवाने के लिए फोटो क्यों खिंचवा रहे हो। इसी बात पर दोनों माँ बहन की गंदी गंदी गालियां व जाति सूचक गालियां देने लगे और मैं और मेरे पति ने कहा हमारी जमीन है, हम यहीं पर कुटीर बनवाएंगे। इसी बात पर प्रकाश सरदार घर में से कुल्हाड़ी लेकर आया और मेरे पति हाकिम के सिर में मार दी। दोनों ने मेरे साथ भी कुल्हाड़ी के बेंटे और डंडे से मारपीट की। इसके बाद मारपीट कर दोनों आरोपी जंगल की तरफ भाग गए। पीड़ित महिला ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपका श्रीमती कौन से गाँव से आई हो आप? अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? SP ऑफिस आई हो आप? सर मैं फोटो खिंचाने ले गई कुटिया को। हाँ। तो उसने हम कुल्हाड़ी से मारे दो आदमी। कौन ने? सरदार ने। क्या नाम है उनका? प्रकाश और उनका लड़का। किस बात को लेकर मारा? कुछ नहीं, जो कर मेरी है जगह। मैं बोली सर मैं तो अपना मकान बनाऊ, मेरी है जगह। अच्छा। हाँ, फिर कुछ नहीं बोला, हम तो दो आदमी मार मार के घेर उठ कर। अभी आपके पति कहाँ है? पति अस्पताल में। कौन से अस्पताल में? मेडिकल। अच्छा, अभी SP ऑफिस के आई थी आप? क्या क्या क्या, क्या कारण है आप SP ऑफिस आई थी? इंसाफ चाहिए मुझे। अच्छा। हाँ। तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है उसके ऊपर? नहीं की, सवासपुरा ने नहीं करी। तो क्या कार्रवाई चाहती है सरदार के खिलाफ? मैं अर्जन लगना चाहिए। अच्छा। वो वैसे ही भगना चाहिए, मुझे चाहिए नहीं। कहीं को है सर? कहीं को है? वो तो कहीं को है, बाहर का है, मुझे को नहीं है।